प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हनुमान जयंती मौके गुजरात के मोरबी से 108 फुट उच्ची मूर्ति का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री वालों ये उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही किया गया। इस मौके उन्होंने संबोधन करदिया हनुमान जयंती मौके देशवासियों को बधाई दित्तियां। प्रधानमंत्री ने कहा कि हनुमान जी अपनी भगती और सेवा भावना के नाल सारियां अपने नाल जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी तो प्रेरणा लेना चाहता है। हनुमान वो शक्ति ने जिन्हां ने जंगल च रहण वालियां प्रजातियों नूं माण अते सन्मान का अधिकार दवाया। अब आज मुझे मोरबी में हनुमान जी के इस कार्य से जुड़ने का, संतों के समागम का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। भाइयों और बहनों, मुझे बताया गया है कि हनुमान जी की इस तरह की 108 फीट ऊंची प्रतिमा देश के चार अलग अलग कोने में स्थापित की जा रही है। शिमला में ऐसी ही एक भव्य प्रतिमा तो हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। आज यह दूसरी प्रतिमा मोरबी में स्थापित हुई है। दो अन्य मूर्तियों को दक्षिण में रामेश्वरम और पश्चिम बंगाल में स्थापित करने का कार्य चल रहा है, ऐसे मुझे बताया गया। साथियों, ये सिर्फ हनुमान जी की मूर्तियों की स्थापना का ही संकल्प नहीं है, बल्कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प का भी हिस्सा है। हनुमान जी अपनी भक्ति से, अपने सेवा भाव से सबको जोड़ते हैं। हर कोई हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। हनुमान वो शक्ति और संबल है जिन्होंने समस्त वनवासी प्रजातियों और वन बंधुओं को मान और सम्मान का अधिकार दिलाया। इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी हनुमान जी एक अहम सूत्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राम कथा का आयोजन देश के वख-वख हिस्सों में किया जाता है। कथा के दौरान भाषा बोली जो भी होवे, परंतु राम कथा की भावना सारियां नूं जोड़दी है, प्रभु भक्ति दे नाल एकागर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रवासी टीवी। प्लीज सब्सक्राइब प्रवासी टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन।